तो लॉ ऑफ मैलस हमें ये बताता है कि अगर सपोज करो यहां पर लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो यहां पर लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि फिल्टर होगी, लाइट की एनर्जी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आई नॉट से कम आएगी। कितनी आएगी ये लॉ ऑफ मैलस बताएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा लॉ ऑफ मैलस बताएगा। फिर उसके बाद यहां पर एज इट इज लाइट बाहर आ गई तो जितनी इंटेंसिटी यहां पर उतनी यहां पर, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर आपने 90 घुमाया तो कोई लाइट नहीं आई, अगर आपने 30 घुमाया होता, 45 घुमाया होता, 60 घुमाया होता तो कुछ लाइट फिर भी बाहर आती। तो जो लाइट बाहर आती उसकी इंटेंसिटी क्या होती लॉ ऑफ मैलस आपको बताएगा। तो लॉ ऑफ मैलस किस में डील कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट में डील कर रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, हाउ टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लॉ ऑफ मैलस जो लगता है वो कहां लगता है, सबसे पहले यहां लगता है, यहां लगेगा इसमें एनालाइजर में लगेगा। जो थ्योरी है लॉ है वो एनालाइजर में लगेगा, मतलब यहां से शुरू नहीं करेंगे, यहां से करेंगे। कैसे, लॉ ऑफ मैलस ये कहता है कि अगर मान लो यहां पे इंटेंसिटी लाइट की आई नॉट है तो वो आपको बताएगा कि यहां पे बाहर इंटेंसिटी कितनी आएगी, ये लॉ ऑफ मैलस आपको बता देगा। यानी कि लॉ ऑफ मैलस किस पे काम कर रहा है, पोलराइज्ड लाइट पे। लाइट पोलराइज्ड है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, लेकिन अगर आपने इसका एक्सिस घुमा दिया 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो कितनी इंटेंसिटी बाहर आएगी ये लॉ ऑफ मैलस आपको बताएगा। क्लियर है यहां तक, मतलब ये बता तो ये भी सकता है यहां से शुरू होके यहां, यहां से शुरू होके यहां, पर एक बार हम यहां पे लगा लेते हैं फिर यहां पर भी लगा के देख लेंगे, दो स्टेज में काम करेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो लॉ ऑफ मैलस के अकॉर्डिंगली या ये सीखने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या आपको ये इमेजिन करना है कि सपोज आपके पास दो, एक पोलराइजर है और एक एनालाइजर आइडेंटिकल है। मेरा हाथ एक पोलराइजर है और एक एनालाइजर है, दो पैरल पड़े हुए हैं और ये एक्सिस है, एक्सिस है, पैरल है दोनों, ये मैंने आमने सामने रख दिए। ठीक है, आपको डायग्राम कैसा दिखाऊंगा ये देखो, आपको डायग्राम ऐसा दिखाऊंगा, ये पोलराइजर है और ये एनालाइजर है, ऐसे ये पोलराइजर है और ये एनालाइजर है। क्लियर है, तो आप डायग्राम ऐसा ना देखें, आप डायग्राम ऐसा देखें, तो ये पोलराइजर है ये एनालाइजर है, दिख रहा है। आप डेप्थ भी ना देखें, थोड़ा पास, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, आपको तो एक्सिस देखना है, पेन देखना है, एक्सिस देखना है, तो ये देख रहे हैं, तो दोनों एक्सिस पैरेलल है, ऐसे पैरेलल है। आप मेरा हाथ भी ना देखें, आप सिर्फ एक्सिस देखें, तो दोनों एक्सिस एक दूसरे के सामने पैरेलल है, राइट। और मैं ये कह रहा हूं कि पोलराइजर है और ये एनालाइजर है, अगर मैं 90 डिग्री भी कर दूंगा तो मेरी ये स्क्रीन है, मैं स्क्रीन हूं, तो अगर यहां से अनपोलराइज लाइट आती है तो स्क्रीन के ऊपर कोई लाइट गिरेगी नहीं क्योंकि एंगल 90 है। पर क्या होगा अगर इनके बीच में एंगल थीटा होगा, तो ये पोलराइजर है, फिर एनालाइजर में से लाइट पास आएगी और मेरे ऊपर गिरेगी, तो लाइट कितनी बार आएगी ये बताएंगे। क्लियर है, तो यहां से अनपोलराइज लाइट आ रही है तो पोलराइजर में से पास करके आई नॉट इंटेंसिटी है, एनालाइजर में से बाहर कितनी आएगी ये क्वेश्चन है। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से ये डायग्राम क्लियर है। ये दो एक्सेस हैं, एक पोलराइजर का एक्सेस है और एक एनालाइजर का एक्सेस है, इमेजिन कर पा रहे हैं, यही तो सेम डायग्राम बनाया मैंने भी, एक पोलराइजर है और एक एनालाइजर है। तो 90 डिग्री रखेंगे वो लाइट नहीं आएगी, थीटा एंगल पे देखना क्या लाइट आएगी। क्लियर है यहां तक। अब एक चीज बताएं कि जो पोलराइजर और एनालाइजर की हम बात कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से यहां देखें कि जैसे ये पोलराइजर है, ये पोलराइजर है, और लेट अस सपोज ये एनालाइजर है, थोड़ा टेढ़ा रख देते हैं, एक पोलराइजर है और एक एनालाइजर है। जब अनपोलराइज लाइट इसमें एंटर करेगी तो इस एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी लाइट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो इस एक्सिस के पैरेलल बाहर आ गई, पोलराइज हो गई। अब ये बताओ मुझे कि जो डायरेक्शन इस पोलराइजर की थी वही डायरेक्शन लाइट की भी हो गई। तो अगर मैं ये बोलूं कि एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर इज थीटा, या एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड एनालाइजर इज अगेन व्हाट, थीटा, फर्क क्या पड़ रहा है, क्योंकि इसका इसकी डायरेक्शन और इसका एक्सिस की डायरेक्शन एक ही बात है। तो बात समझ में आई यहां तक। तो जब मैं ये बोलता हूं कि दोनों एक्सिस के बीच में एंगल थीटा है, या पोलराइज लाइट और इसके बीच में एंगल थीटा है, बात एक ही है। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो अब एक चीज देखें कि अगर इसकी इंटेंसिटी आई थी, आई नॉट है, किसकी, जो लाइट क्या हो चुकी है, पोलराइज हो चुकी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी, आई नॉट है। मान लें
उसका जो एम्पलीट्यूड है लाइट का वो ए है, मान ले उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए है, तो अगर ये ए है तो यहां पे एम्पलीट्यूड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ए का कॉम्पोनेंट बाहर आएगा कितना, ए कॉस थीटा, तो जो लाइट बाहर निकलेगी उसका एम्पलीट्यूड ए नहीं होगा, क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा। क्या स्टेप क्लियर है, ठीक हो गया यहां तक, पोलराइज लाइट का एम्पलीट्यूड अगर ए है तो बाहर क्या एम्पलीट्यूड निकलेगा, ए कॉस थीटा, तो इंटेंसिटी बाहर क्या निकलेगी, प्रोपोर्शनल टू ए कॉस थीटा का स्क्वायर, तो बाहर कितनी इंटेंसिटी निकलेगी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए का मतलब पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड है और इंटेंसिटी आई नॉट है, तो क्या मैं ये पुट कर सकता हूं, आई प्रोपोर्शनल टू आई नॉट, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो यहां पर कॉन्स्टेंट वन आता है, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट इन टू कॉस स्क्वायर क्या थीटा। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो ये लॉ ऑफ मैलस है कि अगर अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है और एंगल इन दोनों एक्सिस के बीच में कितने थीटा है, तो लाइट की इंटेंसिटी जो बाहर आएगी वो क्या आएगी, आई नॉट इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्टेप क्लियर है, तो यही लॉ ऑफ मैलस है, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन एनालाइजर, उसने ये नहीं कहा पोलराइजर, उसने क्या कहा एनालाइजर पे, क्योंकि पोलराइजर से पहले तो अनपोलराइज लाइट आएगी, तो हम काम किस पे कर रहे हैं, पोलराइज लाइट पे काम कर रहे हैं, तो एनालाइजर द इमर्जेंट लाइट जो बाहर आएगी वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन प्लेन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर, तो वही तो कह रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये लॉ ऑफ मैलस है, लॉ ऑफ मैलस में रूल नंबर वन, ये डायग्राम को क्रॉस कर लेना अपने बुक में, लॉ ऑफ मैलस में ये बनाना, इंटेंसिटी का ग्राफ आएगा थीटा के साथ, कि अगर आप पोलराइजर एनालाइजर का एंगल चेंज करेंगे तो आप एंगल कैसे चेंज कर सकते हैं, अभी इनके बीच में एंगल क्या है, 0, 30, 60, 80, 90, 120, 180, 270, 360, पूरा घुमा सकते हैं आप इसे, एनालाइजर को पूरा घुमाएंगे 360, तो आपके पास ये एंगल, ये डायग्राम बनेगा। मैथ्स वालों को पता है कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ ऐसा बनता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा में थीटा 90 होगा तो नो लाइट, 270 होगा नो लाइट, 180 होगा जीरो होगा तो लाइट ही लाइट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये रिजल्ट है, इसको बॉक्स में डाल लेना, इसे बॉक्स में डालना, ये रिजल्ट ये बता रहा है कि अगर मैं सपोज पोलराइजर लेता हूं और ये मेरा एनालाइजर है ऐसा कुछ, राइट, तो ये पोलराइजर है और ये क्या है, एनालाइजर है, क्लियर है यहां तक, तो अगर ये अनपोलराइज लाइट है, अगर ये अनपोलराइज लाइट है, मैं अब लॉ ऑफ मैलस यहां लगाने जा रहा हूं कि जो पोलराइज लाइट आई उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, मान लें अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट है, इस बार किसकी, पोलराइज की नहीं अनपोलराइज, इस बार मैं लॉ ऑफ मैलस यहां और यहां नहीं लगा रहा, मैं यहां लगा रहा हूं, क्लियर है यहां तक, क्योंकि हमें लॉ ऑफ मैलस पोलराइज लाइट पे लगाना आता है, अनपोलराइज पे नहीं आता, तो अनपोलराइज लाइट के साथ अब कितनी इंटेंसिटी बाहर आएगी ये कैलकुलेट करना है, दिस विल बी इक्वल टू आई नॉट इन टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो एंगल है प्लेन का वो तो 360 है, लाइट की वाइब्रेशन तो 360 हर तरफ है, तो इसके एक्सिस के साथ 0 से 360 हर एंगल बनेगा प्लेन का, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का एंगल इस एक्सिस के साथ तो सारे बनेंगे, तो ऐसे केस में हम एवरेज वैल्यू लेते हैं कॉस थीटा की, एवरेज वैल्यू कॉस थीटा की मैथ्स में क्या होती है, हाफ, तो इसलिए जो इंटेंसिटी बाहर आएगी वो पता है क्या आएगी, आई नॉट इन टू कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या है, आई नॉट बाई 2। तो एक रिजल्ट ना डायरेक्टली याद कर लें ये वाला, कि अगर अनपोलराइज लाइट आती है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है और उसकी पोलराइजेशन हो जाती है तो सीधा इंटेंसिटी क्या कर देनी है, आई नॉट बाई 2, सिंपल, क्लियर है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे आई नॉट, तो यहां पे क्या आएगी, आई नॉट बाई 2, फिर यहां पे क्या आएगा, आई नॉट बाई 2 आगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर, ऐसे लगेगा। अब डिपेंड करता है आपको न्यूमेरिकल, अगर तो एनालाइजर पे गिवन है फिर तो एक ही बार लॉ ऑफ मैलस लगेगा, और अगर वो अपनी न्यूमेरिकल की कहानी यहां से स्टार्ट कर रहा है फिर दो बार लगेगा, पहली बार में तो आई नॉट बाई 2 ही लगेगा, फिर लॉ ऑफ मैलस थीटा के साथ चलेगा, मैं करके दिखाऊंगा आपको। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कि लॉ ऑफ मैलस इसमें कैसे लगेगा, तो यही इसमें बताया गया है।